अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआ से हम सब भी खैरियत से है। आप सबका स्वागत है रूबीना के न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन आइसक्रीम चीज़ कांडी। मैं बताती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये मैंने आधा किलो चिकन ले ली हूँ। ये बॉयलेस चिकन है, ये आधा किलो चिकन है, ये फल्ली है और ये गाजर है और ये आइसक्रीम की कांडी, ये चीज़ और ये ब्रेड। अभी इसको साफ ऑफ करके इसको जब बॉईल करूँगी तभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसमें मैंने क्या क्या डाली। ओके गाइस, मैं बना रही हूँ चिकन। चिकन को धो ले अच्छे से साफ पानी से और उसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये डालूँगी मैं गरम मसाला एक और ज़रा सी और ये डालूँगी मैं नमक डालूँगी 1 चम्मच ज़रा सी डालूँगी और कभी कम लगा तो फिर वापस से और डालूँगी और ये डालूँगी मैं 10 से 12 मिर्ची हरी मिर्ची और ये मैंने ब्रेड निकाल के रखी हूँ ब्रेड क्रम बनाने के लिए और भाजी धो दी जैसे मैंने आप लोग को बताया। गाजर अभी इनकी भाजी और यहाँ पे मैंने बटाटा उबालने रख दी। देखिए चिकन थोड़ा सा गल गया, अब उसमें मैं डालने जा रही हूँ ये भाजी गाजर और ये बीन्स। गाजर और बीन्स डालूँगी जब ये अच्छे से हो जाएगा, इसको भून के इसको निकाल लूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मिक्सर में पीस के फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। आज इसमें डालूँगी मैं ये 1 चम्मच तेल, ब्रेड पीसने जा रही हूँ। ठंडा हो जाएगा उसको मैं पीसूँगी फिर। देखिए गाइस, मेरा सब पीस के हो गया। ऐसा बैटर बनाने का ये मेरा ब्रेड क्रम्प हो गया बना के, ये अंडा फेट के हो गया। अब इसमें डालूँगी 1.5 आलू ऐसे आधे आधे, 1, 2 और ये 3। ये 3 मैंने आलू डाल दी हूँ इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिला लूँगी, हाथ से मेज कर लूँगी, उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी। देखिए गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बनाने जा रही हूँ मैं चीज़ आइसक्रीम। हमेशा अपन ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, आज अपन बड़ी आइसक्रीम गरम आइसक्रीम खाएंगे। ये देखो मेरा हाथ से दिख रहा है आप लोग को, मैंने चीज़ का 1 पे 4 टुकड़ा कर दी हूँ। ये देखो ऐसा करके इसको ऐसा शेप दे देने का, थोड़ा थोड़ा सा हाथ से दबा देंगे और ये नीचे नीचे भी थोड़ा सा दबाने का, ये तो नहीं आई, यहीं से हाथ से नीचे से खुल जाएगा। अभी ये एक दो मैं आप लोग को बना के बताती हूँ। अभी इसको मैं अंडे में डिप कर लूँगी। देखिए मेरी आइसक्रीम चीज़ कांडी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए गाइस, माशाल्लाह मेरा बनके तैयार हो गया। आधा किलो में मेरा 13-14 बन गया है माशाल्लाह। अब इसको रखूँगी मैं फ्रिज में, थोड़ा सी अच्छे से कवर हो जाए, जब तलूंगी फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए गाइस, ये मैंने आलू उबाल लिए, इसको मैं बनाने जा रही हूँ आलू पकोड़े। तो इसमें मैंने कोथमीर डाल दी हूँ। अब ये 2 से 2.5 चम्मच
कॉर्नफ्लोर का आटा है, ये रेड चिल्ली, ये रेड चिल्ली पाउडर है एक चम्मच दाल में, एक आसा आ गया। और ये डालूंगी मैं नमक, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर और 3 से 4 हरी मिर्ची, ये भी सब इसमें डाल दूंगी। अब ये चीज़ भी इसमें घसूंगी, घस के फिर इसको आपको जैसी शेप चाहिए वैसी शेप में बनाओ, गोल बनाओ, टिकिया की जैसी बनाओ, मैं तो ऐसे गोल गोल बनाऊंगी, इसको चपटा कर दूंगी। आलू पकौड़े बोलो या उसको बोलो आलू की टिकिया, या फिर बोलो उसको क्या खाते हैं अपन, वो वड़ा, आलू वड़ा। मैं ये बनाने जा रही हूँ, मैंने जो बताई थी आपको आलू की टिकिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गाइस आप लोगों को मैं एक बात बताने के लिए भूल गई, आज क्रिसमस है, आप सबको मेरी मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी क्रिसमस। देखो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जब निकालूंगी तब। देखो गाइस माशाल्लाह मेरी, देखो टिकिया कितनी अच्छी सी लाल लाल हो गई है, देखो माशाल्लाह खस्ता हो गई, एकदम खस्ता, एकदम ज्यादा लाल लाल नहीं करने का, नहीं तो कड़वा लगेगा। तलने जा रही हूँ चिकन, चीज कांडी तो बोलो, कांडी ना आइसक्रीम, जो भी चिकन चीज आइसक्रीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इसको थोड़ा 2 मिनट स्लो पे पकने दूंगी। अभी है ना गाइस, ये मेरा बेटा बोलता है ये मैं तलूंगा, अम्मी तुम छोड़ दो मैं तलूंगा, इसके लिए छोड़ दी हूँ, ये तलेगा, ये मेरा बेटा तलेगा, इसका जब ये तलेगा ना मैं उसको आप लोगों को बताती हूँ उसका वीडियो नांगड़े पुंगड़े का। देखो गाइस माशाल्लाह ये मेरा चिकन लॉलीपॉप हो के बन के तैयार, माशाल्लाह देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, चीज देखो कितनी ऊपर आ गई, ये देखो चीज, देखो गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो मेरा बेटा मैंने तल ली, आधा उसने तल लिया था नांगड़ा पुंगड़ा, हाँ देखो अभी मेरा बच्चा मेरी मदद कर रहा है, हाँ प्लेट सजा रहा है, देखो सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम। देखो गाइस माशाल्लाह ये मेरा बेटा है, देखो कितने अच्छे से प्लेट सजा रहा है। माशाल्लाह मेरा खाना बन के तैयार हो गया, ये चिकन चीज आइसक्रीम, और ये मैंने बताई थी आप लोग को आलू की टिकिया, हरी चटनी है और ये टमाटर की चटनी, आपको जिसे खाने का है खाना खा लीजिए, ले खा के दे। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी बहन की ननन, ये गोरे गांव में आप लोग भी इसका ब्लॉग देखो, ये भी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है पापा शेख और मैं आई हूँ अपने भाई के इधर, अभी आपने स्पेशल ये बनाया है तो चखके देखते हैं गाइस ये कैसा बना है। देखो गाइस चटनी है, केचप है, ऐसे छोटा चम्मच दो ना, माशाल्लाह एक नंबर बना हुआ है, ये क्या चीज बना हुआ भाई, ये आलू की टिकिया, ये आलू की टिकिया है, ऐसा नहीं लग रहा कि आलू की टिकिया है, ये लग रहा है तो साबी कबाब की लग रहा है, एकदम खाने में बहुत टेस्ट है माशाल्लाह सही में। और ये क्या चीज है, ये चिकन कांडी आइसक्रीम कांडी, अब मैं आइसक्रीम को खा के देखता हूँ कांडी को, माशाल्लाह भाई ये भी बहुत अच्छा है, अभी आप लोग हम लोगों का खाने दो, आप भी बोलो, एक नंबर है, एक नंबर है, वो भी अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ले लो आप भी, ले लो आप भी खा के बताओ, एक नंबर बने तो गाइस आइए आप सब भी हमारे साथ खाने पे, पापा शेख, और इन्होंने ये जो भी बनाया है माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा है, तो इनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। मेरा सब बना के हो गया, चिकन
चिकन चीज आइसक्रीम और ये मेरे आलू की टिकिया माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। सबने तारीफ करें, आप लोग भी बनाइए खाइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी। अभी मिलती हूँ मैं आपको खाने के बाद। माशाल्लाह हमारा खाना पीना खा के हो गया। गाइस आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगी वापस एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। गाइस मेरे लिए, पूरे अवाम के लिए दुआ करो। अल्लाह हाफिज़।